हाय गाइस, ये है क्लोरीन का टोनर जो कि येलो कलर से इंडिकेशन रहता है इसका। इसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। इसमें ये टोटली 1500 केजी का सिलेंडर रहता है जिसमें 900 केजी का क्लोरीन रहता है और 600 का ये बोतल रहता है, सिलेंडर रहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक कोटेड रहता है ये मटेरियल, ये कोडेड रहता है। जिस भी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग रहता है या जिस भी कंपनी का ये जो प्रोडक्शन रहता है, वो जैसे कि इसमें जो नंबर दे रखा है GC19481700, तो इसमें जिस भी कंपनी का रहता है उसमें GC से इनिशियल जो उसके जो अल्फ़ाबेटिकल होता है वो कंपनी का लोगो रहता है अल्फ़ाबेटिकली। इसमें क्लोरीन के बारे में जो उसका हाइड्रोट्रेस का डिटेल भी दिया होता है और उसका जो टेयर वेट है, नेट वेट है, ग्रॉस वेट के बारे में भी दिया होता है इसके बॉटम पे। इसमें ये क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में इसको फिल किया जाता है। इसको जो हम एक बाया ट्यूब बाया, इसको हम वेपराइजेशन फॉर्म में ये बाहर आता है, जिसको हम एज अ क्लोरीन डोजिंग करते हैं वाटर को ट्रीटमेंट के लिए, बैक्टीरियल ट्रीटमेंट के लिए। इसमें ये जो फेरोल वाल्व रहता है जिसमें कि जो बॉटम होता है ये लिक्विड का रहता है और जो टॉप होता है ये जो क्लोरीन जब वेपराइज करता है तो हमारा जो कनेक्शन होता है ट्यूब का वो हमेशा टॉप वाले फेरोल वाल्व से कनेक्शन को किया जाता है, जिससे कि वो क्लोरीन वेपराइज होके हमारा ट्यूब के वाया उसमें डोज हो चुके। इसके सेफ्टी पैरामीटर भी कुछ ऐसे रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि इसका अगर कुछ भी माइनर लीकेज या हैवी लीकेज रहता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें कैनिस्टर मास्क का यूज़ करते हैं अगर माइनर लीकेज रहता है। और कभी भी यूज़ करते हैं हम कभी या फिर टोनर को हैंडलिंग करते हैं या कभी क्लोरीन को हैंडल करते हैं तो हमें सेफ्टी के रिगार्डिंग जो है कैनिस्टर मास्क का यूज़ करना चाहिए। और अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी या हैवी लीकेज आता है क्लोरीन का तो हमें इसका स्काबा सेट रहता है उसको हमें यूज़ करना चाहिए। और अगर उसके बाद भी अगर बहुत एक प्रायोरिटी इमरजेंसी होती है तो हमें इसको फायर कंट्रोल रूम में इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए, इसको इस क्लोरीन को एटमॉस्फेयर में फैलने के लिए। ये भी हैजार्डस केमिकल्स के मोस्टली टॉप मोस्ट हैजार्ड केमिकल में ही आता है क्लोरीन। क्लोरीन लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम अमोनिया सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। जिस भी पॉइंट पे क्लोरीन लीकेज होता है तो उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, अपने जो अमोनिया टॉर्च होता है, अमोनिया टॉर्च पे हम थोड़ा सा अमोनिया सॉल्यूशन लगा के उसको जहाँ पर लीकेज होता है वहाँ पर उसको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर से उसको ले जाते हैं, उसको उसके कॉन्टैक्ट में रखते हैं 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से लीकेज के, तो वहाँ पर एक वाइट स्मोकी फॉर्म फॉर्मेशन होता है जिससे भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं या क्लेरिफाई कर सकते हैं कि क्लोरीन लीक हुआ है। इन केस ऑफ क्लोरीन लीकेज, कभी भी अगर क्लोरीन लीकेज होता है तो हमें डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाना है, एयर की प्रेजेंस में आना है और हवा के हमें एयर के 90 एंगल को फॉलो करना रहेगा। हमें डायरेक्ट वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं जाना है, ना कि हमें पानी को पीना है, हमें वाटर के कॉन्टेक्ट से दूर रहना है, हमें एयर में जाना है और हमेशा एयर फ्लो डायरेक्शन के 90 या और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही जाना है। और जाने के बाद इमरजेंसी कांटेक्ट करना है, या तो फायर को सबसे पहले कांटेक्ट करना है ताकि जिससे कि हमारा जो क्लोरीन लीकेज है वो इमीडिएटली हम उसको फैलने से रोक सकें। और हमें कंट्रोल रूम में भी बोलना रहेगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन करना है। इमरजेंसी कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे कि हमारे पास जो भी कॉलिंग पॉइंट है, जैसे कि वॉकी टॉकी हुआ है, या तो हमारा MCP हो गया, या तो हमारे पास PA सिस्टम हो गया। इनके सब इमरजेंसी में कुछ भी माइंड में रहता है तो सबसे पहले इन्हीं तीनों के ज़रिए जो है कॉन्टेक्ट करना रहेगा।